अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे इंस्टाइज से हेलो करो। तो वो छोटा मुन्ना है, मेरे हस्बैंड से मिले। तो आपका शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स में कहा कि आपके हस्बैंड बहुत क्यूट हैं। नाइस, थैंक यू बोल दें। थैंक यू। तो शुक्रिया, आपने मेरे हस्बैंड की तारीफ़ की, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम आए वीडियो में ये कल। तो अभी हो रहा है टाइम रात का 10 बज गए और मेरी बेबी से मिलने आ रहे हैं जिन्होंने गंजा किया था ना, वो आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, बेबी को देखने के लिए। उनकी वाइफ है उनके साथ, तो जैसे ही आते मैं मिलवाती हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे घर पे उनकी वाइफ। तो स्ताइश का भी गंजा उन्होंने किया था, और जिनका मैंने आपको बोला भी कि आप जो है उनके लिए भी दुआ करना कि खुदा जो है उनको भी औलाद दें, उसे नेमत दें। तो वो आ रहे हैं दोनों मियाँ बीवी हमारे घर पे, और खाना हो गया रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, रेडीमेड खाना है। मैं खाना बनाने को तो बना सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास आज टाइम नहीं था, बाहर के भी कुछ काम थे। और जैसा कि आपको पता है बेबी मेरी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं भी काम इतना नहीं करती, जितना हो पाता उतना मैं कर लेती हूँ। और आपको पता खाने बनाने में थोड़ा, बनाने का तो कोई मसला नहीं, बन तो फौरन ही जाता है, लेकिन बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं ना तो बहुत तंग करते हैं। और मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला भी नहीं है, मम्मी भी आती हैं, जितना उनसे होता है वो भी करती हूँ मेरे साथ। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर से मंगवा लेते हैं खाना रेडीमेड। तो हम अभी उनका वेट ही कर रहे हैं, और छोटी बेबी को मैंने कर दिया है रेडी, तैयार हो गई है। तो दिखाना, सो रही है अभी वो, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। सही करना, ये देखिए ये गंजी हो गई, माशाल्लाह से अच्छी हो गई। और मैं जा रही हूँ किचन में, खाना खाने में देखने लगी हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। बिरयानी है, और मैं निकालती हूँ खाना और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना मुश्किल है। अब मेरे हस्बैंड ने जो है वो बेबी को उठाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो ये खाना मैंने निकाल दिया सारा, सीख कबाब, बिरयानी, रायता, चटनी और सलाद, और ये है मेरे पास। तो चलते हैं। ये देखें, ये हमारे गेस्ट आए हैं शाहरुख भाई, कल परसों आए थे ना गंजा करने काके को, और ये इनकी वाइफ हैं। तो आपने प्लीज़ इनको दुआ में याद रखना है कि खुदा इनको भी जो है औलाद जैसी नेमत दे। तो इससे मिलने आए हैं फर्स्ट गेस्ट हमारे घर में। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, तो मिलते हैं आपको खाने के बाद, ठीक है। तो गेस्ट जो है वो चले गए हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और मैंने रात को कुछ क्लिप बनाए थे, और बाकी अब जो है सुबह मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चियाँ भी मेरी तंग कर रही थी दोनों बेटियाँ, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। जैसे ही वो लोग गए, छोटी वाली रोने शुरू हो गई, फिर उसको देखा, फिर बड़ी वाली को फीडर बना के दिया। तो वो शाहरुख और उसकी वाइफ, तो आपने इन दोनों को दुआओं में याद रखना है, इन दोनों के लिए ख़ास दुआ करनी है, प्रे करनी है कि खुदा जो है इनको भी औलाद दे। ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। मैं बोल रही मैं बनाऊंगी फीडर, वो खुद बनाने शुरू हो गई है। इधर आओ मेरे पास, सही है, ठीक है, दूध गिरा दिया सारा उसने। तो उसने सारा फीडर ही नीचे गिरा दिया था दूध का, अभी मैंने उसको किया है दोबारा दूध बना के दिया है, और अब लेटी हुई है आराम से। तो आज का बस यही था छोटा सा क्लिप, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में,
और आपने इसी तरह मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। और अभी तक मैंने अपनी बेटी का नाम नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अभी सिर्फ डिसाइड करना बाकी रह गया। नाम तो पसंद आ गए हैं तो अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो भी है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खास ख्याल रखिएगा।